कंट्रोल एक गाना है, बहुत चल रहा है कंट्रोल, फिल्म का नाम है छिछोरे। जी हाँ, छिछोरे फिल्म का गाना कंट्रोल आज आपको बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ उस गाने को, और बताता हूँ आपको इस गाने के पूरे लिरिक्स मुश्किल शब्दों पर डिस्कशन के साथ, और सही उच्चारण तो आपको हमारे चैनल से मिलता ही है, तो उसकी तो चिंता ही छोड़ दीजिए। सही उच्चारण के साथ शब्दों के बारे में जानकारी के लिए आप माई हिंदी माई उर्दू जैसा कोई चैनल नहीं पाएंगे। फिलहाल मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल पर बेल आइकन प्रेस कभी नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस वीडियो के लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। लाइक का बटन अभी दबा दीजिए यार, आप बाद में भूल जाते हैं, बुरी बात है भाई, बहुत बुरी बात है यार, दबा दो यार लाइक का बटन, अगर पसंद नहीं आएगा तो वापस हटा देना उसको और डिसलाइक का दबा देना, ठीक है। फिलहाल तो लाइक का दबा के रखो यार। चलो गाने की बात करते हैं, बड़ा मस्त गाना है, बड़ा ज़बरदस्त गाना है, मैं तो इसको सुनते सुनते झूमता हूँ भाई जी। प्रतिद्वंदी से हार सबसे बड़ा धिक्कार, नाक कटा कर घर मत आना कहता है परिवार, हम हैं बरखुरदार बेबस और लाचार, जीवन के संघर्ष में होगा कैसे बेड़ा पार, अंतर मन की खिड़की खोल जिगर जुटा कर हल्ला बोल, आज से यारो होगा अपना वन एंड ओनली गोल कंट्रोल। ठीक है, इतना डिस्कस करते हैं। प्रतिद्वंदी क्या होता है, देखिए प्रतिद्वंदी गलत बोला है इन्होंने, वैसे गलत क्या बोला है, हो सकता है गाने की डिमांड हो तो वजन बराबर करने के लिए कर दिया हो प्रतिद्वंद्वी को प्रतिद्वंदी। जी हाँ, सही शब्द है प्रतिद्वंद्वी, प्रतिद्वंद्वी हिंदी का शब्द है और संस्कृत से बनते हैं हिंदी के ज़्यादातर शब्द, ये आपको पता है। अंग्रेजी में इसको राइवल कहते हैं, राइवल कॉम्पिटिटर, उर्दू में रकीब कहते हैं, रकीब प्रतिद्वंद्वी, ठीक है। और धिक्कार एक शब्द आया इसके अंदर, धिक्कार, धिक्कार तो आपने जब शोले मूवी के सीन देखे होंगे या फिल्म देखी होगी, धिक्कार है तो आप तब से जानते होंगे ये शब्द आपके लिए जाना पहचाना है। धिक्कार को उर्दू में लानत कहते हैं, लानत है यार, ठीक है, सुनते हैं ना आप, लानत है यार, इस तरह का आप भी बोलते हैं और दूसरे भी बोलते हैं, तो लानत उर्दू में है, हिंदी में धिक्कार है। इसके बाद इसमें एक परिवार शब्द आता है, परिवार फैमिली को कहते हैं, ये हम हिंदुस्तानी लोग सब जानते हैं और बाहर वाले भी जानते हैं यार, बताने की ज़रूरत है नहीं, परिवार फैमिली, ठीक है, हिंदी का शब्द है। फिर है बरखुरदार, हम हैं बरखुरदार बेबस और लाचार, बरखुरदार वैसे बेटे को कहते हैं, जब एड्रेस करते हैं ना पुत्र को या बच्चे को या लड़के को तो कहते हैं भाई बरखुरदार ज़रा यहाँ आओ, ठीक है, इस तरह से कहते हैं, तो बरखुरदार बेटे, ठीक है, संबोधन का शब्द है बेटे हिंदी में, और उर्दू में बरखुरदार। बेबस किसे कहते हैं, जो बेबस हो, जिसका कोई बस ना हो, वश न चलता हो, जिसका जो लाचार हो, मजबूर हो, और आगे भी लाचार आ रहा है, लाचार बेबस, ठीक है, मतलब आप जानते हैं, जीवन के संघर्ष में होगा कैसे बेड़ा पार, जीवन आप जानते हैं लाइफ को कहते हैं, संघर्ष का मतलब है स्ट्रगल, ठीक है, स्ट्रगल संघर्ष। बेड़ा पार किसे कहते हैं, बेड़ा वैसे तो पानी के जहाज़ को कह सकते हैं, ये तो वैसे एक मिसाल है बेड़ा पार, ठीक है ना, बेड़ा पार यानी कि हमारा पानी का जहाज़ जो है, या पानी की जो बोट है हमारी, बड़ी सी नाव कश्ती जो है वो जा रही है, वो डूब ना जाए, पार हो जाए, ठीक है, तो बेड़ा पार होना उसे कहते हैं, वहाँ से आया, मुहावरा है। अंतर मन की खिड़की खोल जिगर जुटाकर हल्ला बोल, अंतर मन किसे कहते हैं, अंतर मन का मतलब है इनर हर्ट, इनर हर्ट अंतर मन, उर्दू में जहन कह सकते हैं, जहन की खिड़की खोल, ठीक है, जहन, जहन नहीं जहन। जिगर किसे कहते हैं, आप जानते हैं भाई, जिगर वाला है, जिगर है तो ऐसा करके दिखा, जिगरा भी कहते हैं, जिगर, ठीक है, वैसे लीवर को कहते हैं, हमारे शरीर का एक आंतरिक अंग है लीवर, उसे जिगर कहते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब है हिम्मत, हिम्मत जुटाकर हल्ला बोल, हल्ला बोल अटैक कर, मतलब ये है इसका। और आगे चलते हैं, लोभ प्रलोभ की हर फीलिंग तब तक इग्नोर करेंगे, सर ऊंचा करने लायक जब तक ना स्कोर करेंगे, बस इतना डिस्कस करते हैं। लोभ किसे कहते हैं, प्रलोभ किसे कहते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है लोभ और प्रलोभ में, लोभ प्रलोभ, वैसे विस्तार से फिर कभी बात करूँगा, फिलहाल ये समझ लीजिए दोनों का ही अर्थ है डिज़ायर, ग्रीड, लस्ट, टेम्पटेशन, यानी हिंदी में कहें, उर्दू में कहें तो आम तौर पर लालच है ये शब्द, लोभ लालच, प्रलोभ भी एक तरह से लालच ही है, ठीक है। और लायक बोला है इन्होंने, सर ऊंचा करने लायक, सिंगर साहब ने लायक बोल दिया है, क के नीचे नुक्ता होना चाहिए, और शब्द है लायक, लायक हिंदी में योग्य, लायक, ठीक है। और फिर लाइनें आती हैं, अपने कैरेक्टर के अंदर का विश्वामित्र जगा के, यारो कस के लंगोट, तपस्या हम घनघोर करेंगे। अंदर का विश्वामित्र जगाना, वो आपने सुना होगा विश्वामित्र की तपस्या जो भंग की थी एक अप्सरा ने, ठीक है, तो वहाँ से उठाया ये, तो ये एक तरह से मिसाल है।
एक मुनि थे, एक ऋषि थे विश्वामित्र। यारो कस के लंगोट, तपस्या हम घनघोर करेंगे। लंगोट कसना किसे कहते हैं? यानी इरादा पक्का करके और काम में जुट जाना, लंगोट कसकर काम में लग गया ऐसे कहते हैं। तो लंगोट वैसे होता क्या? लंगोट एक अंतः वस्त्र है, यानी इनर गारमेंट है। कस के लंगोट, तपस्या हम घनघोर करेंगे। तपस्या किसे कहते हैं आप जानते हैं, लेकिन घनघोर के बारे में बताऊंगा। उससे पहले तपस्या का उर्दू शब्द बता दूं। देखिए, तपस्या को उर्दू में आप रियाजत कह सकते हैं, रियाजत तपस्या। और घनघोर का मतलब वैसे घन और घोर दो शब्दों से बना है। घन का मतलब बादल होता है, घोर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जब काली काली घटाएं छाई होती हैं, गहरे गहरे बादल होते हैं, तो हम कहते हैं कि घनघोर घटा आई हुई है। ठीक है, घनघोर का मतलब यहाँ समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा तपस्या करेंगे। और अगर लंगोट में होगा होल, फट जाएगा अपना ढोल। यहाँ लंगोट शब्द आया है, मैंने बता दिया अभी आपको। उसके आगे लाइन है, जान से प्यारी इज्जत प्यारो, इज्जत है अनमोल। इज्जत है शब्द, इज्जत नहीं है। इज्जत यानी आदर, सम्मान, ठीक है, मान। और अनमोल, जिसका कोई मोल ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो, अनमोल, अमूल्य हिंदी में कह सकते हैं, अमूल्य, अनमोल। ठीक है, बस इतने ही लिरिक्स थे इस गाने के। उम्मीद है आज भी आपको मज़ा आया होगा। लिरिक्स तो मालूम हुए ही इस गाने के, कंट्रोल के, और शब्दों पर भी चर्चा हो गई, आपकी जानकारी बहुत बढ़ गई होगी भाई। तो माई हिंदी माई उर्दू को दूर दूर तक फैला दीजिए, और हमारे चैनल पर अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए। किसी और गाने के बारे में जानना चाहते हो, किसी और शब्द का अर्थ जानना चाहते हो, तो हमसे पूछ लिया करें, हम आपको जवाब देने की, विस्तार से जवाब देने की, तफसील में जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं हूं मोइन शमसी, और आपके लिए लाया हूं माई हिंदी माई उर्दू चैनल। जुड़े रहिए मुझसे, और यहां भी जुड़िए। इसके अलावा खबरी एक ऐप है, खबरी को लोड कीजिए और मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए। खबरी पर भी हूँ, इंस्टाग्राम पर भी हूँ, ट्विटर पर भी हूँ, फेसबुक पर भी हूँ, और शेयर चैट पर भी हूँ। सब जगह मुझसे जुड़ जाइए, ताकि हमारी आपकी दोस्ती और मजबूत हो जाए। सलाम हिंदुस्तान।